चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए कुछ आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं और उनके आंसर बताए जा रहे हैं। तो इस तरह के आपके 9 टेस्ट खत्म कर चुका हूँ। ये 10वां टेस्ट है, ये 10वां टेस्ट है और बड़े विस्तार से हम लोग बात करेंगे, ठीक है? आपके स्टेट पीसीएस कोई भी हो, फिर चाहे एमपीपीएससी हो या यूपीपीसीएस है या कोई भी और एग्जाम जो इस तरह के क्वेश्चंस पूछता हो आपका, उन सभी के लिए आपके महत्वपूर्ण रहेंगे क्वेश्चंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भरत मुनि द्वारा संकलित नाट्यशास्त्र में शुषिरवाद संदर्भित है। भरत मुनि द्वारा संकलित नाट्यशास्त्र में शुषिरवाद संदर्भित है। आप जानते हैं वायु यंत्र से, वायु यंत्र से आपको मालूम होना चाहिए कि ईसा से 200 वर्ष पूर्व, यानी कि 200 वर्ष पूर्व से 200 वर्ष ईस्वी तक, यानी कि आप कह सकते हैं कि 200 BC से 200 AD तक भरत मुनि द्वारा संकलित नाट्यशास्त्र में संगीत वाद्यों को उनके ध्वनि उत्पन्न करने के आधार पर 4 प्रमुख श्रेणियों में विभक्त करते हैं। तांत वाद्यांत या अथवा तारवाद, शुषिरवाद अथवा वायुवाद, औन्नतवाद या फिर चमड़े के वाद, और घनवाद या ठोसवाद, जिन्हें ट्यूनिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें आप बी ऑप्शन लगाएंगे। तो याद रखिए, कई लोगों का कहना है कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता हूं मैं मुझे, तो याद रखिए आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया होगा। अगर आप कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका जो भी आता है क्लास, जो भी आती है एनसीईआरटी की आती है या फिर और कोई भी आपकी, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। मुगल दरबार की मुख्य भाषा फारसी से के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह राजा राज परिवार के सदस्यों और दरबार में मौजूद कुलीन लोगों द्वारा बोली जाती थी। यह बिल्कुल सही बात है। जहांगीर ने सतर्कतापूर्ण तरीके से फारसी को मुगल दरबार की मुख्य भाषा बना दिया, ये गलत है। स्थानीय मुहावरों और नई भाषा के इसमें शामिल होने के बाद इसका भारतीयकरण हो गया और फारसी तथा हिंदी के मिलन से नई भाषा आपकी उर्दू का जन्म हुआ है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। सही उत्तर हमें चुनना है तो आप जान रहे हैं कि एक भी सही है और 3 कथन भी सही है, लेकिन आपने देखा है कि दूसरा कथन गलत है। दूसरा गलत क्यों है? आप भी जानते हैं कि फारसी को मुगल दरबार की मुख्य भाषा अकबर ने बनाया था। किसने? अकबर ने, ना कि जहांगीर ने। ठीक है, ईरान के साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्क के साथ साथ ईरान से आने वाले प्रवासियों द्वारा निरंतर मुगल दरबार में आते रहने के परिणाम स्वरूप संभवतः बादशाह इसे दरबार की मुख्य भाषा बनाने के लिए प्रेरित भी हुए थे। और इसी को ध्यान में रखते हुए अकबर ने फारसी को मुगल दरबार की मुख्य भाषा चुना। ठीक है, याद रखिए। तो इसमें क्या लगाएंगे आप लोग? ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, 1 और 3 सही है कथन। इस पॉइंट को बड़े ध्यान से सुन लिया करिएगा, ठीक है? क्योंकि सही उत्तर या सही नहीं है, इस तरह के पूछ लेता है कई बार, हमें हम लोगों को भ्रमित भी कर देता है, हम आते हुए क्वेश्चंस गलत कर बैठते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अब समझ में आया आपको? यहाँ अगर लिखा होता कि सही सम्मिलित है तो आंसर अलग बदल जाता, और लिखा है सही सम्मिलित नहीं है, तो देखते हैं आखिर कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ये नृत्य हो गए और ये संबंधित राज्य हो गया इसका। मोहिनीअट्टम तमिलनाडु, ये आपका बिल्कुल गलत है। कथक उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही। सत्तरिया असम, ये भी आपका बिल्कुल सही। तो आप देख रहे हैं कि इसमें पूछ क्या रहा था, सही सम्मिलित नहीं है, तो 1 गलत है आपका, 2 और 3 बिल्कुल सही है। तो इसमें आप ए ऑप्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए ऑप्शन है। अब बताता हूँ कि क्यों गलत है आपका। आप जानते हैं कि भारत नाट तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का क्या है? भारत नाट। और अगर मोहिनी अट्टम की बात करूँ तो आप जानते हैं कि केरल का है। कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। और बाकी आप जानते होंगे कि कथक, कथकली केरल का है। कथक की बात करूँ तो उत्तर पश्चिम भारत में, विशेष रूप से आप उत्तर प्रदेश की बात कर सकते हैं। मणिपुरी आपका मणिपुर में, उड़ीसा उड़ीसा में, उड़ीसी आपका उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, सतरिया असम में, ठीक है। तो याद रखिए, इनसे भी आपका क्वेश्चंस कई बार बन जाता है। तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। और तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन? असम की सत्रिया नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। हाल ही में इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। इसे वैष्णव मत के प्रचार के एक प्रमुख माध्यम के रूप में पेश किया गया था। बिल्कुल सही है। इस नृत्य के विकास पर असम के लोक नृत्यों का खासा प्रभाव है। ये भी सही है। क्या पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप देख रहे हैं एक भी सही है, दो भी सही है और तीन कथन भी आपका सही है, यानी कि तीनों आप देख रहे हैं कि सही है। क्या है? तीनों सही है। सत्रिया नृत्य की शुरुआत 15वीं सदी के महान वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक थे महापुरुष शंकर देव ने वैष्णव धर्म के प्रचार के एक सशक्त माध्यम के रूप में इसे किया था। और ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तीनों कथन सही हैं। तो आप क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन? भारत में रंगमंच के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ये आपके रंगमंच हो गए, रंगमंच का स्वरूप और संबंधित राज्य हो गए आपके। ठीक है, तो देखते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि सही जोड़ी बनाते ना थे ना हम लोग बचपन में, आपने देखा होगा कई बार हम लोग, तो उसी तरह का है। भांड पाथेर, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कश्मीर में। भवाई, ये आपका गुजरात में देखने को मिलेगा। यानी कि एक तीन से मैच कर रहा है आपका, यानी कि तीन मतलब इसे कह दीजिए, तीन मान लीजिए। ठीक है, पर चाहे आप लोग इसे इस तरह से मान सकते हैं। और माच की अगर बात करूं तो कहाँ का है ये आप देखेंगे? मध्य प्रदेश। भोना, भोना को देखेंगे आप लोग असम का। क्या है? असम का। तो भांड पाथेर कश्मीर, भवाई एक तीन, भवाई गुजरात से एक, सॉरी दो एक, माच मध्य प्रदेश तीन चार से, और भोना असम यानी कि चार दो से। तो इसमें आप क्या लगाएंगे? सही कूट चुनना है हमें। तो हम लोग एक तीन दो एक तीन चार चार दो, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसे आप लोग यार एक बात और याद रखिए, आप लोग जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे उसके बाद एक बार और पढ़ लीजिए इसे, तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी एक कला कपड़े की हस्तशिल्प कला से संबंधित नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कला कपड़े की हस्तशिल्प कला से संबंधित नहीं है? बांधनी कला, ये आपकी है, बिल्कुल सही है। बाटिक कला, ये भी आपकी है। फ्लेगरी कला, ये आपकी नहीं है। जामदानी कला, ये भी है आपकी, लेकिन इसमें पूछ रहा है संबंधित नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन। सही नहीं पूछा है ना, क्योंकि आप जानते होंगे कि फिलिग्री कला चांदी के आभूषण पर बनाने की तकनीक से संबंधित है, ना कि कपड़े की। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अष्टदिग्गज निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित थे? अष्टदिग्गज निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित थे? तो ये थे तेलुगु। किससे? तेलुगु से। अष्टदिग्गज के रूप में प्रख्यात आठ महान साहित्यकार तेलुगु भाषा से संबंधित थे। ये विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। इनमें से अल सनी पेडेना को आंध्य कविता का पितामह कहा जाता है। इन्होंने मनुचरित नामक ग्रंथ की रचना भी की है। ठीक है, याद रखिए। और विजयनगर काल को आप जानते होंगे कि तेलुगु काल, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। पंपा पौन्ना रन्ना नामक त्रिरत्न कवि निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित हैं? पंपा पौन्ना रन्ना नामक त्रिरत्न कवि निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित हैं? तो यह है कन्नड़ से। सी ऑप्शन सही है। इन तीनों को त्रिरत्न की उपाधि भी दी जाती है, और पंपा को कन्नड़ कविता का जनक भी कहते हैं आप लोग। तो याद रखिए, अगर आपसे पूछे तो बता देना कन्नड़ कविता का जनक किसे कहते हैं? पंपा को।
पोन्ना ने शांति पुराण नामक महाकाव्य और रन्ना ने अजीतनाथ पुराण लिखा था। ठीक है, याद रखिए। यहाँ आप लोगों से एक और बात बताऊंगा, देखिए अगर आप सिविल सर्विस या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एनसीईआरटी कवर कर लें, पढ़ लें उन्हें एक से दो बार मिनिमम, कम से कम एक से दो बार तो उन्हें पढ़ ही लें, उसके बाद ही आप लोग तैयारी शुरू करें। याद रखिए एक और बात बताऊँगा आपको कि आपको भारी भरकम मटेरियल रख अपने पास नहीं रखना है। आप देखिए पॉलिटी को ले लीजिए, चलिए मानते हैं एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, प्लस आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, काफ़ी है इतना आपके लिए मटेरियल। ठीक है, तो इतना आप लोग जरूर करिए और समय रहते हुए आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि समय निकलने के बाद पछताने से को कुछ नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्त्री राग निम्नलिखित में से किस समय एवं ऋतु में गाया जाता है? स्त्री राग निम्नलिखित में से किस समय एवं ऋतु में गाया जाता है? तो आप देखेंगे सायकाल एवं शीतकाल में। हिंदुस्तानी संगीत का आधार 6 प्रमुख राग हैं और ये सभी समय और ऋतु विशिष्ट होते हैं या विशेष प्रकार की भावनाओं का आह्वान करते हैं जो निम्नलिखित हैं। स्त्री राग आप देखते हैं कि सायकाल और शीतकाल में, भैरव राग आप प्रातःकाल और शरद ऋतु में, दीपक राग रात के समय ग्रीष्मकाल में, मालकंस राग एक मध्य रात्रि और शीतकाल में। हिंदुस्तानी संगीत में 6 मुख्य राग हैं, राग भैरव हिंडोल दीपक मेघ श्री और मालकोस राग। ठीक है, याद रखिए। तो इसमें क्या लगाएंगे आप लोग? बी ऑप्शन। आप लोगों को बताया होगा पिछली क्लासों में, अभी लॉकडाउन के समय कुछ इतिहासकारों से वैसे ही मेरी बात हुई, मतलब बात करता रहता हूँ अगर कोई अच्छी बात बताएं तो। उन्होंने पता है ये लॉकडाउन देखा, फिर यहाँ लोगों की स्थिति देखी, सबसे भयानक स्थिति सभी लोगों के मन में अगर कोई थी तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक महिला जन्म देती है बच्चे को रोड पर, और जन्म देने के बाद वो दोबारा चलने लगती है। एक जन्म देने के मतलब आप समझ रहे हैं, कहते हैं कि औरत का मतलब महिला का दोबारा मतलब जन्म होता है एक बच्चे को जन्म देने के बाद, उसे इतनी पीड़ा होती है बच्चे को जन्म देने देते समय, तो आप उस भयानक स्थिति को समझ सकते हैं। तो उनके द्वारा कहा गया कि हमारी संस्कृति पूरी तरह से ख़त्म होती जा रही है और इस संस्कृति को ख़त्म करने वाले कोई और नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि हजारों साल पहले से हमारी संस्कृति बची हुई है। हमारे यहाँ कई लोगों ने आक्रमण किए, मुस्लिमों ने किए, अंग्रेजों ने किए, हमेशा से आक्रमण होते रहे, किसी की इतनी औकात नहीं रही कि हमारी संस्कृति को ठेस पहुँचाए या हमारी संस्कृति को ख़त्म करे, लेकिन हमारे चंद नेताओं ने कुछ ने और हमारे देश के कुछ मूवियों ने, यानी कि उनका कहना है कि बॉलीवुड मूवियों ने हमारी संस्कृति को बहुत बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, समझ रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि भारत तो रहेगा, ऐसा नहीं है कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है ये रहेगा, लेकिन जो भारत माता है, जो उनका जो सम्मान है, जो उनकी भावनाएँ हैं, वो नहीं रहेंगी। भारत का मतलब आप समझ रहे हैं, भारत माता का, उनका कहना सा सीधा सा मतलब है कि एक मानव, एक इंसानियत भरा मानव और एक दूसरे की मदद करने वाला, एक गिरता है तो दूसरा उठाने वाला हो, इसे ही भारत की एक पहचान कहते हैं हम लोग, लेकिन ये नहीं देखी जाएगी। उन्होंने कहा है कि इतिहास देखिए, आप भी जानते होंगे, आप भी इतिहास पढ़ते रहते हैं, कि आज जो भी हम कर रहे हैं वो हमारा इतिहास होगा, यानी कि आज आने वाले दिनों में इतिहास लिखा जाएगा। आज आप जानते हैं कि हम लोग प्राचीन भारत को देखते हैं, मध्यकालीन भारत को देखते हैं, आधुनिक भारत को देखते हैं, तो एक समय इसे भी देखा जाएगा। तो कहते हैं कि उस समय हमें गांधी और नेहरू को आज हम लोग गाली देते हैं अपने नेताओं को कई को, तो आज हम लोगों को उनसे बुरी गालियां पड़ेंगी, आने वाली हमारी पीढ़ी कहेगी, क्योंकि हम आग बंद करके केवल तमाशा देख रहे थे, देश बर्बाद हो रहा था, ऐसा कहा जा रहा है उनके द्वारा। अब आप आपकी देखिए नज़रिया है जो भी आप कर सकते हैं, और आप उनका मतलब कई पॉइंट थे उनके कि हम लोग शायद हो सकता है कि आप विरोध ना करके 200 साल जिंदगी जी लें, लेकिन बोले उसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं आप लोग, ये हाल है। बाकी आप समझदार हैं, समझते रहिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ठुमरी संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी रचना में प्रेम और भक्ति का रस का भाव होता है, यह भक्ति आंदोलन से प्रेरित था, ये भी सही है।
आगरा घराना मुख्य रूप से ठुमरी संगीत से जुड़ा हुआ है। ये आपका बिल्कुल गलत है। क्या पूछा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक और दो सही है। वैसे आप लोगों इस तरह की अगर संस्कृति के बारे में कोई बात करे, पुरानी परंपराओं के बारे में बात करे, तो आप लोगों को नहीं, कई लोगों को चिढ़ होती है, लेकिन हकीकत यही है। आज हम देखिए, अगर हम ठीक है, आप या हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, किसी को मार काट रहे हैं, किसी को नीचा गिरा रहे हैं, किसी की ज़िंदगी को मतलब बर्बाद कर दे रहे हैं, या किसी को रुला रहे हैं, तो क्या उखाड़ लेंगे? आप खुद सोचिए, कभी 2-4 मिनट, आप 24 घंटा आपके पास समय है, उनमें से 24 मिनट में इस वक्त मतलब इस बात को विचार करिए कि क्या उखाड़ लोगे? क्या आपका धरती पर स्थायी जीवन काल है? नहीं ना। और मुझे जहाँ तक मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, और जब तक मैंने जहाँ भी मैं देखिए बड़ा मतलब देखता रहा हूँ, कि आज तक दूसरे को रुलाने वाला कभी खुश नहीं रह पाया, दूसरे को बर्बाद करने वाला कभी खुश नहीं रह पाया। वो इतनी बुरी मौत से मरा है कि उसके ना जाने के बाद लोगों ने थूका है उसके नाम पर। यह मेरा शायद हो सकता है कि ये शब्द आपको बुरा लगा हो, लेकिन हकीकत है, रियलिटी है ये बात। आप भी आसपास देखिए कि कभी आप लोग देखिए कि जिसने मार काट की है जिंदगी भर, उन लोगों से कभी मिलिए, ऐसे लोगों से कभी बात करिए, कभी वो आपको कितनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं। लेकिन समय निकल गया ना, अब उनकी शिक्षा देने के या पश्चाताप करने का कोई समय नहीं बचा हुआ है। उनके मुंह से आप ही एक ही बात सुनेंगे कि ये सब गलत था और मैं गलत था। तो इसलिए समय रहते हुए आप भी अच्छे से रहिए, और अपने क्या फर्क पड़ रहा है, एक दूसरे की मदद करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठुमरी के बारे में बात करूं तो बनारस और लखनऊ घराने का, ये आपका मुख्यतः इसमें घराना बनारस और लखनऊ लखनऊ स्थित है, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है ठुमरी से, ना कि आगरा, लखनऊ और बनारस। तो इसमें आप क्या लगाएंगे? ए ऑप्शन, क्योंकि आपने देखा है एक और दो कथन सही है। क्वेश्चन है अगला हमारा, निम्नलिखित युग्मों में कौन से सम्मिलित हैं? निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित हैं, यानी कि सही बताना है हमें। तो इसमें आप देखेंगे, ये लोक संगीत हो गए, स्थान हो गए बनावन, ये आपका कश्मीर का है, पनिहारी राजस्थानी, लावली लावणी ये गुजरात, नहीं, एक तीसरा गलत है आपका, तीसरा गलत है, बाकी एक और दो सही है इसमें, और सही आपको बताना था, तो सही कूट चुनना था, तो एक और दो सही है। तीसरा आखिर गलत क्यों है, उस पर भी बात कर लेता हूँ। तीसरा गलत इसलिए है क्योंकि लावणी जो है, ये महाराष्ट्र के लोक संगीतों में सबसे अधिक लोकप्रिय है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का, ना कि गुजरात का, एक बात याद रखिए। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, केवल एक और दो कथन सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर हमें क्या करना है? विचार करना है। ये आपके लोक संबंधी, लोक नृत्य संबंधी हो गया संबंधित, और स्थान हो गया एक तरल मेल, तरल सॉरी तरंग मेल, तरंग मेल ये कहाँ का है? गोवा का, सही है। रासलीला हिमाचल प्रदेश, एक गलत है आपका। कालबेलिया राजस्थान, ये भी आपका सही है। बिहू महाराष्ट्र, ये आपका गलत है। तो इसमें पूछ क्या रहा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही सम्मिलित है, सॉरी सही नहीं है, सम्मिलित नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि दो और चार सम्मिलित नहीं है, बाकी एक और तीन सम्मिलित है इसमें, दो और चार सम्मिलित नहीं है, एक और तीन सही है। तो बताता हूं कि दो और चार में आखिर कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो आप जानते होंगे कि रासलीला उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का, ना कि हिमाचल प्रदेश का। दूसरा आपका बताऊं कि बिहू, ये तो कई बार आप देखते रहते हैं, चर्चा में बना रहता है, तो असम का है, ना कि महाराष्ट्र का। तरंग मेल गोवा, रासलीला उत्तर प्रदेश, कालबेलिया राजस्थान, बिहू असम, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा था कि सम्मिलित नहीं है, तो आप लगाएंगे बी ऑप्शन, दो और चार सम्मिलित नहीं था। एक बात और, जो भी आपको इस सिलेक्शनों के दौरान बताता हूँ, फिर चाहे एनसीईआरटी में, कोई बेकार चीज़ नहीं बताता हूँ,
क्योंकि आप देखते हैं कि पेपर फोर है, आपने देखा होगा, सिविल सर्विस हो या स्टेट पीसीएस हो या कोई भी एग्जाम हो आपका इसमें, इस लेवल की, आप देखते हैं कि पेपर फोर होता है, उसमें यही तो आपको सिखाया जाता है। और आपको संस्कृति पढ़ने के लिए, आर्ट एंड कल्चर पढ़ने के लिए क्यों कहा जा रहा है, इतिहास पढ़ने के लिए क्यों कहा जा रहा है, आपको एक विद्वान बना के छोड़ा जाता है। सिविल सर्विस की तैयारी करना या स्टेट पीसीएस की तैयारी करना एक विद्वान ही भरा काम है, आप खुद जानते हैं इस बात को। तो बड़े, देखिए आप बचपन में होशियार थे, 12th में क्या थे, बीएससी आई या आपने कोई भी डिग्री की, तब आपकी क्या हालत थी, ये मायने नहीं रखता है। आपने देखा होगा कि एक दिमाग चलने वाला यानी कि गधा, एक तरह से आप कह सकते हैं, वो सिविल सर्विस पार कर देता है। एक रट्टा, एक जो आप समझ सकते हैं कि मतलब कम सोच वाला, लेकिन वो तेज है, वो रटने में तेज है, वो फेल हो जाता है। देखिए 12th और जे बीएससी या बीए इस तरह के जो एग्जाम करते हैं, उसमें आप अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखते हैं, आप रट लेते हैं। आपने वंडर ऑफ साइंस का निबंध रट लिया होगा 12th में, या फिर कोई भी ऑप्शन, कोई भी आंसर रट लिया आपने, और आप देखते हैं कि किताब से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता है, लेकिन इसमें आपका क्वेश्चन ऐसा बनाया जाता है कि जिसमें आपकी सोच होनी चाहिए, जिससे सॉल्व करने के लिए। आप खुद प्रीलिम्स में भी तो देखते हैं, इसीलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ाने की बात की जाती है। और मुझे लगता है कि एक पूरा मानव बना के छोड़ा जाता है कि हकीकत इंसान की क्या मतलब जिंदगी है। बाकी आप समझदार हैं, अगर आप लोग डिटेल से सब कुछ पढ़ते रहते हैं तो इसमें मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, आप खुद इतने समझदार हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है? पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक रामानुजाचार्य हैं, ये आपकी बिल्कुल गलत है। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की, ऐसे आप लोग भी जानते होंगे, सही बात है। रामचरित मानस अवधी भाषा में लिखा गया है, ये भी आपका सही है। इसमें क्या पूछ रहा है, सही उत्तर चुनना है, तो 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पुष्टि मार्ग था इसके प्रतिपादक थे बल्लवाचार्य, ना कि रामानुजाचार्य। कौन थे? बल्लवाचार्य, तो याद रखिए। और रामानुजाचार्य की बात करें, पुष्टि मार्ग को शुद्धाद्वैत दर्शन के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ठीक है, याद रखिए। तो पुष्टि मार्ग के कौन थे प्रतिपादक? बल्लवाचार्य। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग टिक, यानी कि क्या क्या सही होगा, केवल 2 और 3। और आप लोग जब भी उत्तर पुस्तिका में लगाते हैं, गोला भरते हैं, तब भी बड़े ध्यान से लगाया करिएगा। मुझे लगता है कि ऑनलाइन परीक्षा बेहतर रहती है हमारी, क्योंकि इसमें एक गोला गलत हो गया तो बिल्कुल सुधारने का कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है, और वैसे भी मतलब सुधारने का नहीं हो, भरने में भी कई बार गलती हो जाती है आंसर आते हुए भी, तो बड़े ध्यान से देखा करिए। और रामचरित मानस की आपको पहले भी बता चुका हूँ कि स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है, इसे तो आप भी जानते होंगे। क्वेश्चन है अगला, कूडिया कूडियाट्टम नाट्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह केरल के चक्यार जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य नाटक है, ये आपकी बिल्कुल सही बात है। यह केवल महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये गलत है आपका। यूनेस्को ने कूडियाट्टम को मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की कृति के रूप में मान्यता दी है, ये भी सही है। क्या पूछ रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1 और 3 सही है। आपको जिस तरह से भी सूटेबल लगे, पहले आप कथन भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद भी आप आंसर दे सकते हैं, या फिर इस पॉइंट को भी आप लोग पढ़ सकते हैं। दूसरा आखिर गलत क्यों है, उसके बारे में बता देता हूँ। जो आपका कूडियाट्टम है, एक केरल का एकमात्र प्रमुख प्रदर्शन परंपरा है, जिसमें आप देखेंगे पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं, पुरुष भी भाग लेते हैं, महिलाएं भी, दोनों कलाकारों की भूमिका निभाते हैं। 2001 में आपने देखा होगा कि यूनेस्को ने कुटियाटम को मानव ताकि मौखिक और अमूर्त विरासत की कृति के रूप में मान्यता भी दी है। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, सही आंसर पूछा था तो केवल 1 और 3 कथन सही है कथन इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, माफ करिएगा, नहीं है पूछा है। उड़ीसा को है, सॉरी उड़िया को है, लेकिन पाली को नहीं है, संस्कृत को भी है, कन्नड़ को भी है, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, बी ऑप्शन। भारत में आप देखेंगे 6
भाषाओं यानी कि तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, यक्षगान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यक्षगान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है। यह आंध्र प्रदेश की नाट्य कला विधा है। गलत है। यह हिंदू महाकाव्यों और किंवदंतियों पर आधारित है। ये आपका सही है। क्या है? सही है। यक्षगान थिएटर को भगवतार अत्तर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपका सही है। लेकिन इसमें पूछा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें आपका एक कथन सही नहीं है। क्या है? एक कथन सही नहीं है, लेकिन दो और तीन सही है। एक कथन क्यों गलत है उस पर भी बात करता हूँ। यक्षगान आपका दक्षिण भारत में कर्नाटक का एक समृद्ध लोक नृत्य है, ना कि ये आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? कर्नाटक का है। ठीक है, याद रखिए। यक्षगान महायान महान हिंदू महाकाव्यों, किंवदंतियों से प्रेम कथाओं, साहसिक कार्यों, साजिश के किस्सों के साथ लोगों का मनोरंजन करता है। रामायण जो 1590 से 1620 की अवधि के दौरान लिखा गया था, यक्षगान में महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। तो इसमें आप क्या लगाएंगे? ए ऑप्शन, क्योंकि इसमें कथन सही नहीं पूछा था और केवल आपका एक कथन सही नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा अगला। निम्नलिखित में से किस संस्था ने नवीकरणीय ऊर्जा 2018 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट जारी की है? तो ये आपकी एक ही है, रिन्यूएबल एनर्जी नेटवर्क फॉर द 21वीं सेंचुरी, REN21, इसने जारी की है आपकी। तो आपसे कई बार पूछ लेगा कि नवीकरणीय ऊर्जा ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो आपको याद रखना रिन्यूएबल एनर्जी नेटवर्क फॉर द 21वीं सेंचुरी। ठीक है, बी ऑप्शन लगाएंगे आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन? हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका उद्देश्य हाथियों की आबादी की निगरानी करने और अवैध हत्या के स्तर में बदलाव का पता लगाने की क्षमता का बेहतर बना को बेहतर बनाने हेतु राज्यों की मदद करना है। बिल्कुल सही बात है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा वित्त पोषित योजना है। ये आपका गलत है। कौन सा सही है? तो आप देख रहे हैं कि केवल एक सही है। दूसरा गलत क्यों है उस पर भी बात कर लेता हूँ। आप देखेंगे कि जो ये तकनीक की बात की जा रही है, तो माइक कार्यक्रम पूरी तरह से दानकर्ताओं के सहयोग पर निर्भर है, ना कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे वित्त मिलेगा। ये आप लोगों की हमारी जो भी दान करेंगे इसके द्वारा सहयोग पर निर्भर है। यूरोपीय संघ माइक कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण दाता भी रहा है। जापान, यूनाइटेड किंगडम एवं चीन की सरकार और US फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस द्वारा भी वित्त प्रदान किया जाता है। एक तरह से देशों के द्वारा इसमें धन दिया जाता है। जिस तरह से आपने PM फंड देखा था उसमें हम लोगों ने दान दिया है, तो इसी तरह इसमें भी देश दान देते हैं। माइक कार्यक्रम की स्थापना की बात करें तो 1997 में वन्य जीवों और वन्य वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के 10वें पक्षकारों के सम्मेलन के लिए में लिए गए संकल्प के द्वारा की गई थी। तो इसमें आपका केवल एक था, दूसरा गलत था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, विश्व चुंबकीय मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विश्व चुंबकीय मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह पृथ्वी के कोर और बड़े पैमाने पर क्रिस्टल चुंबकीय क्षेत्र का एक मानक मॉडल है। बिल्कुल सही बात है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा वित्त पोषित मॉडल है। ये आपका गलत है। इसमें क्या पूछ रहा है? सही पूछ रहा है। तो केवल एक सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? तो आप जानते हैं कि ये जो मॉडल है BGS द्वारा, किसके द्वारा? BGS द्वारा US नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल डेटा के साथ UK और US
नेशनल जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी में डिफरेंस जियोग्राफी सेंटर से फंडिंग का के साथ तैयार किए गए थे। ठीक है, याद रखिए। तो इसमें आपका केवल एक सही है। क्वेश्चन है अगला, हिंद महासागरीय हम्पबैक डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। हिंद महासागरीय हम्पबैक बैक डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका निवास हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी तक सीमित है। गलत है। इसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ द्वारा लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये आपका बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप देख रहे हैं कि केवल दूसरा कथन सही है। पहला कथन आखिर गलत क्यों है? क्योंकि देखेंगे आप लोग हिंद महासागरीय हम्पबैक डॉल्फिन हिंद महासागर में अब दक्षिण अफ्रीका से भारत तक पाई जाती। कहाँ तक? दक्षिण अफ्रीका से भारत तक, ना कि बंगाल की खाड़ी तक। ठीक है। और प्रकृति संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है, इसने हिंद महासागरीय हम्पबैक डॉल्फिन को लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत है। और भारत में ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित भी है, याद रखिए। क्वेश्चन है अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस झील में वार्षिक फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं पुलिकट झील में। कहाँ? पुलिकट झील में, ये उड़ीसा में है। आपकी चिल्का झील के बाद यह झील दूसरी बड़ी खारी पानी की झील है। चिल्का झील कहाँ है? आपकी उड़ीसा में। और अगर हम लोग पुलिकट झील की बात करूं तो ये कहाँ देखने को आपको मिलेगी? ये आपको कोरोमंडल तट पर देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, याद रखिए। पुलिकट झील कहाँ है? आपकी तमिलनाडु में। एक बात और, इसमें अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है वैसे। और याद रखिए, वैसे तो दो राज्यों में फैली हुई है। आंध्र प्रदेश में भी देखने को इसका हिस्सा कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन आपका क्वेश्चन पूछता है तो आप याद रखिए आप कहाँ लगाएंगे? तमिलनाडु। क्वेश्चन है हमारा अगला, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ICAO के बारे में। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। बिल्कुल सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर कन्वेंशन के प्रशासन और शासन का प्रबंधन करता है, यह भी बिल्कुल सही है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन पर कन्वेंशन को मंजूरी नहीं दी है, यह आपका गलत है। क्या पूछ रहा है? सही कथन पूछ रहा है। तो एक और दो कथन आपका सही है, लेकिन तीसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जानते हैं आप लोग, भारत ने 1 मार्च 1947 को इस सम्मेलन को मंजूरी दे दी है। कब? 1 मार्च 1947 को। इसे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर कन्वेंशन के प्रशासन और शासन का प्रबंधन करने के लिए 1944 में स्थापित किया गया था। और भारत ने इसे मंजूरी कब दी? 1 मार्च 1947 को। ठीक है, याद रखिए। तो इसमें आप बी ऑप्शन लगाएंगे, एक और दो कथन सही था इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। यह एक सलाहकारी निकाय है। बिल्कुल सही बात है। इसे रंगराजन आयोग की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था, ये भी आपका सही है। और पूछ क्या रहा है? सही कथन पूछ रहा है। तो एक भी सही है और दो भी सही है। आप जानते हैं कि रंगराजन आयोग ने वर्ष 2001 में भारतीय सांख्यिकी प्रणाली की समीक्षा करते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC की स्थापना की सिफारिश की थी, जिसके तहत आप देखते हैं कि 1 जून 2005 में एक प्रस्ताव के माध्यम से सरकार ने आपकी नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की थी। ठीक है,
याद रखिए इसे। इसमें अगर संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष होता है, इसके अलावा चार सदस्य होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लगाएंगे सी ऑप्शन सही है। क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन सही है, इसमें दोनों कथन सही थे। क्वेश्चन है हमारे सामने अगला, गोल्डन लंगूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गोल्डन लंगूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार। भारत में केवल पश्चिमी असम के छोटे से हिस्से में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। IUCN की लाल सूची में से लुप्त प्राय के रूप में शामिल किया गया, यह भी आपका बिल्कुल सही है। क्या पूछ रहा है? सही कथन पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों कथन आपके सही है, एक भी सही है और दो भी कथन सही है। जो गोल्डन लंगूर है ये भारत के पश्चिमी असम के एक छोटे से क्षेत्र में आपको और भूटान के काले जो काली पहाड़ियाँ हैं पहाड़ की तलहटी में पाया जाता है, देखने को मिलेगा। गोल्डन लंगूर को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के परिशिष्ट एक तथा IUCN की लाल सूची में संकटग्रस्त प्रजातियों की लुप्त प्राय श्रेणी के रूप में सूचीबद्ध भी किया गया है आपका। तो इसमें आप क्या टिक लगाएंगे? सी ऑप्शन सही लगाएंगे। एक और दो कथन बिल्कुल आपका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट विकसित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट विकसित करता है? आप सभी जानते हैं कि विश्व आर्थिक मंच। कौन सा जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है आपका, ठीक है। याद रखिए इस रिपोर्ट के पांच क्षेत्रों के आधार पर बनाया जाता है। आर्थिक कमजोरियां, भू राजनीतिक तनाव, सामाजिक और राजनीतिक तनाव, पर्यावरणीय भंगुरता, तकनीकी अस्थिरता, इसी के आधार पर इसे तैयार किया जाता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के बारे में बात करूं तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। कब? जनवरी 1971 में। इसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, क्लॉस एम श्रॉफ। ये आपका गैर लाभ संगठन है, गैर लाभकारी, ठीक है। याद रखिए इसका मुख्यालय याद रखिए स्विट्जरलैंड, और जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिए जो भी आपके अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय संगठन है उनके बारे में हम लोग बड़े विस्तार से बात कर चुका हूँ, आपका सिविल सर्विस को ध्यान में रखते हुए, स्टेट PCS को भी ध्यान में रखते हुए। अगर आपसे कोई एक भी संगठन पूछता है तो आप उस पर 200 शब्द तक भी लिख सकते हैं उस क्लासों को देखने के बाद। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। तो मिलते हैं हम लोग 11वें टेस्ट में। आप लोग एंजॉय करिए और आप PDF डाउनलोड कर भी अच्छे से देख सकते हैं।